1993 से लेकर 26/11 तक इंडिया में 50 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं। इसमें जो भी देश अफेक्ट हुए हैं उन देशों की लिस्ट में इंडिया टॉप 3 में है। इस टेररिज्म को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ के लोग भी उनसे मिले हुए हैं। He is currently second most wanted criminal on earth. Needless to say, number one for India, Ibrahim Qureshi. Fake currency, drug trading, 1993 serial bomb killing, any terrorist activities in India directly connected to him. Sir, Pakistan ne Qureshi ko apne parameter mein puri tarah se security di hui hai. Us desh ke president se zyada izzat Qureshi ko di jati hai. इन सारी बातों का प्रूफ उसके घर के एड्रेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। गुड वर्क कुलकर्णी। 2 महीने के अंदर G8 कंट्रीज की समिट होने वाली है। इंडिया में जो आतंकवाद हो रहा है उसे स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान है। हम उसे बोलेंगे कि कुरैशी को हमारे हवाले करो। हमारे पास जो भी सबूत है उन्हें कोलैबोरेट करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करो। We will present that in the summit. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Sit down. Good morning, sir. Yeah. गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स हैपनिंग? कराची के जो हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने ISI का कॉल इंटरसेप्ट किया है, रिकॉर्ड भी किया है। ये वॉइस मैसेज है सर। लेट मी हियर। सर बोलिए। सर 1993 का सीरियल ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड कुरैशी का राइट हैंड अब्दुल सलीम 26th को सीरिया आ रहा है। हाँ तो सर वी आर प्लानिंग टू कवर्ट ऑपरेशन। हम लोग उसे जरूर इंडिया लेकर आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो कुलकर्णी? सीरिया में जाकर कवर्ट ऑपरेशन करोगे? फेल हो गया ना तो उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे इंडिया की काफी बदनामी होगी। 2 महीने रुक जाओ, G8 समिट होने के बाद देखेंगे। सर अब्दुल सलीम 10 साल बाद फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है पता नहीं सर। मे बी दे आर प्लानिंग टू अटैक ऑन इंडिया। सर इंटेल बहुत स्ट्रांग है और ये कवर्ट ऑपरेशन है, ये रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। अगर मिशन फेल हो गया तो हम प्रेस में बोल देंगे कि इंडिया का इस इंसिडेंट से कोई संबंध नहीं है। बाई चांस अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस रिकॉर्ड को G8 समिट में पेश कर देंगे। फिर कुरैशी की मांग आप कर सकते हैं। सर सर इट्स ए विन विन सिचुएशन। प्लीज इस ऑपरेशन को लीड कौन करेगा? अर्जुन, अर्जुन शेखर, मार्शल अंडर कवर। 12 मिशंस अकॉम्प्लिश्ड, 100% सक्सेस रेट। गाइस गिव मी अ सेट ट्रिप नॉर्थ साइड पॉइंट। रविंद्रन अश्विन 900 मीटर्स अवे। अहमद इन पोजीशन। ऑल सेट सर। कॉपी। 15 ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 20 ऑन द फर्स्ट एंड 10 ऑन द टेरेस, 20 around the perimeter. Another 2 minutes, target will be there. Arjun, जो आ रहा है वो कौन है कंफर्म करो। अहमद
गेट द कंफर्मेशन. पूरे 15 लोग आ रहे हैं सर, और टारगेट सेंटर कार में है. आई वॉन्ट विजुअल कंफर्मेशन. टारगेट मास्क में है सर. अश्विन कॉपी. अहमद इज राइट, ऑल आर वेयरिंग मास्क. आदि गेट मी रेटिना कंफर्मेशन. Trying to focus, sir. Input काफी दूर है सर. Unable to focus. Arjun, without visual confirmation, I cannot go ahead. उसे कार से बाहर आने दीजिए सर. वालेकुम अस्सलाम. आइए. अश्विन गेट ड्रोन इन पोजीशन. शिट. अर्जुन अबाउट द मिशन नाउ. सर अब्दुल सलीम के बारे में मुझे जो इंटेल मिला है वो करेक्ट है. जिस कार में वो आने वाला था और जिस कार में आया है उसका डिटेल मैच हो रहा है. इसका मतलब वो अब्दुल सलीम ही है सर. हम तुम्हारे तरीके से ये ऑपरेशन नहीं चला सकते अर्जुन, समझे? आपको कंफर्मेशन चाहिए ना सर? 5 मिनट में देता हूँ. अर्जुन व्हाट? वी लॉस्ट द ऑडियो सर. व्हाट? गाइस प्लान बी. अल्फा 3 डाउन. ब्रावो 4 डेल्टा 5-6 of the army base firing sound is heard in 5 seconds. One react out of 5 seconds. Abhi hamare paas hai sirf 3 minutes. Let's do it, guys. Kaun hai re tu sale? Naam hai Arjun. Indian. सर,
सर, we got the audio, sir. Please confirm it, sir. ऑपरेशन के बाद क्या कन्फर्मेशन मांग रहे हो? Just take him and leave the spot immediately. Vehicles approaching. Don't have enough time. Go, go! To the pickup point southwest. अर्जुन, पहले तुम ऑर्डर लेना सीख लो, तुम टेंशन देकर मुझे मार डालोगे। इसको जरा देख लेना, ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया ना सर। कुछ गड़बड़ हो जाती तो हमारी नौकरी चली जाती। नो, हमारा सर झुक जाता। hey, सलीम भाई, कैसे हो? अब सुधर जा सलीम, इंडिया बदल गया है, अब हम लोग भी बुरे लोग बन गए हैं। सलीम के साथ जो लोग आए थे उनकी बॉडी को उन लोगों ने ऑलरेडी कराची शिफ्ट कर दिया है। कुरैशी को पता चल गया होगा। कुरैशी के दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी पंचलाइन क्या है? Expect the unexpected. इंडिया वाले शायद भूल गए कि मैं कौन हूं। आग से खेलने का अंजाम क्या होता है, ये मैं फिर से उनको याद दिलाऊंगा।
कृष्णा क्या हुआ? तुझे अपने बैंक से लोन दिलाने को कहा तो तू भाग क्या है ना आंटी, आजकल लोग बैंक से लोन लेकर लंदन भाग रहे हैं ना, तो बैंक मैनेजर जरा डरा हुआ है। लेकिन हम अपना घर बार छोड़ के कहाँ भागेंगे? हाँ हाँ, मैं अभी बैंक में हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय। हाय माया। हाय सर। हाय भरत। हाय सर। आफ्टर सो मेनी डेज सर। आप कौन है, मेरी सीट पे क्यों बैठे हैं? सर मुझे इस बैंक का मैनेजर बोलते हैं, बेकार परमेश्वरम बोलते हैं मुझे, बच्चे पापा कह के बुलाते हैं, बीबी अरे कह के बुलाती है मुझे, और माँ बाप अबे कहते हैं। और कुछ डिटेल्स चाहिए आगे हो तो वो भी बता दो सर। सॉरी सर, आप मेरी सीट पे बैठे हैं। और नहीं तो क्या करूँ, क्या करूँ मैं? अपनी 30 साल की सर्विस में 30 दिन लीव लिया होगा मैंने, और तुमने 3 साल की सर्विस में 365 दिन लीव लिया है। बोलने का तो कोई फायदा है नहीं। जिस स्पोर्ट्स कोटा से तुम्हें जॉब मिला है ना, उनको बोलना चाहिए। तुम तो लीव लेके चले जाते हो और तुम्हारा काम मुझे करने को कहा जाता है, कैसे करूंगा मैं? सर मैं एक फुटबॉल मैच खेलने गया था सर। वाह वाह वाह, जनाब मैच खेलने जाते हैं, मैं फ्रेंड्स और फैमिली को टीवी के सामने बिठा देता हूँ। मैच तो होता है लेकिन मैच में जनाब नहीं होते। ए भाई साहब, इसको टीवी पे देखा है? नहीं देखा सर। ऐसा नहीं है सर, कोच और कैप्टन मुझे धकेल कर 12th मैन कहकर बेंच पर बिठा देते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो मान लेता हूँ, लेकिन प्लेयर्स को पानी तो पिलाओगे? सर मैं प्लेयर हूँ, सर्वर नहीं हूँ सर। फिर ईगो शीगो नहीं चलता है, प्लेयर्स को सारा काम करना ही पड़ता है। ओके सर, अगले मैच में उनको पक्का पानी पिलाऊंगा सर। मतलब अगला मैच भी नहीं खेलेगा तू? तो एक काम कर, इन सब को कॉल कर। क्यों, लोन नहीं भरा क्या सर? करेक्ट टाइम पे भरा है, अगर हम इन्हें फोन नहीं करेंगे ना तो ये हमारा बैंक भूल जाएंगे, जैसे तुम गेम भूल रहे हो। इसमें 1000 लोगों का नंबर है, कम से कम 500 लोगों को फोन कर और लोन के लिए बोलना उनको। सर इनको मिस्ड कॉल देने में शाम हो जाएगी, लोन की बात कब करूं? लीव लेके जाता है और ग्राउंड पे बेंच पर बैठा रहता है, इससे तो अच्छा है कि तू लोगों को फोन करके लोन के लिए तंग किया कर। तुम्हारे कोच और कैप्टन की तरह मैं घटिया इंसान नहीं हूं, तू इस मैच में अकेला प्लेयर है, चल शुरू हो जा। सर सर ये गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। कृष्ण जी, वो 1000 लोगों वाली फाइल है ना? हाँ सीनू भाई। कम से कम 500 लोगों को लोन लेने पर मजबूर करने के लिए बोला है ना? कैसे पता आपको? अरे इतने दिन आपकी कुर्सी खाली थी ना, तो हमको फाइल देकर बिठा दिया और पूछने पे बोला टीम स्पिरिट, इसलिए। यानी आपने इन सबको पहले ही कॉल कर लिया? हाँ कर लिया। क्या कहा उन्होंने? गालियाँ दी। गालियाँ दी? और कुछ लोगों ने तो बहुत गंदी गालियाँ दी। तो आपने क्या किया? फोन पे दिया ना, तो सुन लिया। तो फिर मुझे क्या करना है? आपको भी वही करना है जो हमने किया है। हेलो, मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं SBD बैंक से बात कर रहा हूँ। आपको पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन कुछ और चाहिए? वो मिलेगा। सीनू भाई, आजकल लड़कियाँ बहुत ओपन हो गई हैं। नेक्स्ट कॉल कीजिए। क्लोज कर देंगे? हाँ। हेलो, मैं रामकृष्ण, मैं SBD बैंक से बात कर रहा हूँ। ओनली बीप 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 लाइक दैट ना? हाँ सीनू भाई। देखिए रामकृष्ण जी, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, पहला मस्का लगाने का और दूसरा झाड़ देने का। फर्स्ट में तकलीफ होगी, सेकंड रिवर्स करो, अब शुरू हो जाओ। रिवर्स? अरे यार, फोन पे हमें कोई भगवत गीता का पाठ नहीं सुना रहा है, प्यार से बात नहीं कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। करेक्ट सर, बात पे बात, गाली पे गाली। आप फिक्र मत करो, मैं बैठा हूँ ना। हेलो, मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं SBD बैंक से बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट नहीं है? अरे किसने बोला इंटरेस्ट नहीं है? पर्सनल लोन पे 12.5%, होम लोन पे 9.5%, गोल्ड लोन पे 8.5%। कर रहे हो क्या? अगर मुझे गुस्सा आया ना, क्या कर लोगे? क्या कर लोगी तुम? You crossing your limits. कैसे limits? कैसे crossing your limits? रोज रोज border cross करना यही मेरी ड्यूटी है। अच्छा तुम कहकर बात कर रहे हो? अरे तुम हो तो तुम ही कहकर बुलाऊंगा ना, और क्या? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, सीनू भाई ने कहा अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो तुम भी करो। तुम तो काम से गए। You finish. क्या फिनिश, क्या फिनिश, चल रख। रामकृष्ण जी, सीनू भाई सही किया ना? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन झगड़े के बीच में इस तरह से मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? टीम स्पिरिट सर। अच्छा हुआ मेरा गोत्र नहीं बताया, अगली बार वो भी बता दूंगा। अरे मैं तो मस्त फुटबॉल। क्या बात है सर। Excuse me, मैनेजर की केबिन कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू। अरे ये तो छुरी की तरह है ना? ऐसी छुरी जिसको अगर हाथ लगाओगे तो हाथ ही कट जाएगा। अच्छा। ये अंदर चल क्या रहा है रामकृष्ण जी? मैनेजर को लकवा कैसे मार गया? कुछ रॉन्ग बोल दिया होगा, इसलिए कपड़े की तरह धो रही लगता है। ओहो, अरे वो इधर ही आ रहे हैं। चल चल चल। आइए मैडम, आइए।
ये रहा, इस रामकृष्ण ने ही आपको फोन किया। हेलो, फोन पर बदतमीजी से बात करने वाले तुम ही थे ना? हाँ वो यही है, तो आप क्या करोगी? थैंक यू फॉर सपोर्ट सीनू भाई। टीम स्पिरिट है जी। क्या कहा? टीम स्पिरिट हा? मिस्टर मैनेजर, आज सैटरडे है, क्लोजिंग टाइम है, इसीलिए छोड़ रही हूँ। मंडे मॉर्निंग 10:30 को मेरा अकाउंट क्लोज करके एक्सिस बैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अरे रे, गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लीजिए मैडम, रात में बस एक बैंक मारिया। मेरा मतलब है कि एसी चला के ठंडे में सोचिए जरा। आप कहना क्या चाहते हो? लोन कब लेना है ये बताएगा, डिसीजन कब और कैसे लेना है आप मुझे बताएंगे? अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मैडम। क्या सर आप इतना मस्का लगा रहे हैं? हमारे बैंक में जितने कस्टमर है ना, उनमें से ये एक चीटी भरे, हटा देंगे आपका अकाउंट आपने के लिए। मेरे बारे में ऐसा बोला? हाँ बोला, तो क्या कर लोगी? रामकृष्ण जी, टीम स्पिरिट भाई। शेख हैंड का बहुत शौक है हा? और तुम्हें हंसी का? मैनेजर जी मैडम, मंडे 10:30 तक अगर आपने मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में हैंडओवर नहीं किया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में रहूंगी और तुम रोड पर। गुड बाय। हमने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है, चलो जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बैंक में बहुत सारे ग्राहक होते हैं लेकिन ये हमारी बैंक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे ये उसी के लिए खोला गया, अच्छी अच्छी, मेरा मतलब उस लड़की के लिए ही ये ब्रांच खोला गया। ये कोई करोड़पति है क्या? बिल्कुल है, ऐश्वर्या मैडम। ऐश्वर्या राय तो नहीं है ना? ऐश्वर्या राय से भी बड़ी है, ब्लू कार्ड इंडिया मैनेजमेंट की हेड है वो। एक बात जानते हो, अगर मैडम चाहे ना तो खुद अपना एक बैंक खोल सकती है। अगर इतना ही दम है तो रिजर्व बैंक खोल लेना। वो बैंक खोले ना खोले, तू अपना मुंह जरूर खोलेगा। मैं कुछ नहीं जानता, उसने मुझे एक दिन का टाइम दिया है, वही टाइम मैं तुम दोनों को देता हूँ। उसका अकाउंट इस बैंक में हर हाल में रहना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों इस बैंक में नहीं रहोगे ये मैं कह देता हूँ। कौन बजा रहा है बे? रिंगटोन है सर। ऐसा है तो ओके। हेलो। हाँ काजा भाई। काजा भाई? अरे आप अब बोल रहे हो? ऑलरेडी गेस्ट आ चुके हैं। किसके बारे में बात अगर है? कोई है नहीं तो आपको खुद आना होगा। आज जैसा प्लान किया था वैसा होना चाहिए। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। हेलो, तुम कौन हो? वो ऐश्वर्या मैम। तुम लोग कौन हो? ये सलमान, मैं शाहरुख। मजाक मत करो। क्या हो गया बॉबी? तुम लोग यहाँ भी आ गए? कनिका हाँ, फोन दो, पुलिस को फोन कर। मैडम 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 प्लीज मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। मैं तो बस क्लाइंट हूँ ना। अरे स्पेलिंग मिस्टेक मैडम, प्लीज मैडम। सुनिए तो मैडम, इसके अलावा जो भी कहोगे हम करने को तैयार हैं। कनिका इन्हें बाहर निकालो अभी। हेलो सर, तुझसे बात करनी है। क्या है? अरे चल तो। आप जरा समझाइए मैडम प्लीज। अरे सुनिए ना, आप लोग भी जरा समझाइए ना मैडम को। समझाइए ये क्या है, हर वक्त ये अपने आसपास बाउंसर लेकर घूमती है, हम इसको मना पाएंगे क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है क्या? या तो लड़ो या तो। कनिका क्या कर रही हो? देखो तुम तीनों में क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये हमारी हर बात मानेंगे। आखिरी वक्त में काजा भाई ने भी टांग दे दी है। यार वीकेंड सारा वेस्ट हो जाएगा। तू रुक यार, चलना उनको बकरा बनाते हम लोग। नो नो, उसके लिए ये लोग बिल्कुल नहीं। ठीक है तू रहने दे, मैं देखती हूँ। हाँ। तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। अभी उनकी हालत बहुत खराब है, तू मुझे एक मिनट दे, मैं सब सेट करती हूँ। मैडम जी ने क्या बोला? मेरी सहेली बहुत गुस्से में है। अच्छा, आप किसी तरह उन्हें समझाइए ना, वरना हमारी जॉब चली जाएगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सीनू भाई, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हेलो हेलो हेलो, सीधा हाईवे पे मत जाओ। तुम पहले लेफ्ट लो, 200 मीटर जाने के बाद राइट लो, उसके बाद लेफ्ट में पोच शॉप। अरे वो तो आगरा वाइंस है, शॉप कहाँ है? मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। वहाँ जाओ और 8 बर्डवाइजर लेकर आओ। सिर्फ सोडा पीने वाली नहीं, बियर पीने वाली लड़कियों में देखते ही समझ गया था। पीने के लिए नहीं चाहिए, बालों के लिए मंगवा रही हूँ। बियर से बाल धोने पर मस्त चमक आ जाती है। अरे तो उसके लिए खुद भी जा सकते हो ना, तो हम क्यों जाएं? माँ के दूध में और डब्बे के दूध में फर्क पता है? ये बियर और दूध का मतलब मुझे नहीं, भी समझ मतलब समझाऊं या जॉब चाहिए? जॉब चाहिए। चलिए सीनू भाई, वरना नहाने के लिए भी बियर मंगाएंगे। ओए सुनो, साथ में दो वोडका भी लाना। लेकर आऊंगा, ओके ना? चिल्ड या हॉट? किसी ने देखा तो नहीं ना? मैडम कूल हो गई क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं होता, फिर गलती कर देते हो और माफी मांगने दरवाजे पे आते हो। गेट आउट। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। कल फोन पे एड्रेस बताऊंगी, आ जाना, सब सेट कर देंगे। हाँ ओके। हाँ ओके मैडम, कोई बात नहीं, रख लो। सीनू भाई आपकी तो निकल पड़ी। सॉरी जी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने तुमसे बिल रखने के लिए कहा। फिर इसके पैसे कौन देगा? तुम्हें पैसे चाहिए, जॉब चाहिए? जॉब चाहिए। आपको बियर चाहिए? हे पिज्जा ऑर्डर करना, बहुत भूख लग रही है यार। आदाब अर्जा जी। ये सब क्या है, सुबह ऑफिस में, रात को घर में, और अब इधर करना क्या चाहते हो? स्टॉकिंग? छी, हम ऐसे लोग नहीं है। डोंट टॉक, मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें किसने बताया? hey, रात में बियर देने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो मैटर सेटल कर देंगे, इसने हमसे कहा। प्लीज मैडम, हम गरीब दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं हमें पगार मिलती है जिसे हम अपना गुजारा करते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे? माई डिसीजन इज फाइनल। क्या बात कर रही है मैडम, अगर ये गलती आपका बॉबी करता तो आप उसे भी ऐसी सजा देती क्या? बोलो। अरे सीनू भाई, ये बॉबी कौन है? इनके कुत्ते का नाम है। ओह एक्सक्यूज मी मैडम, ऑर्डर प्लीज। या
I'll have one gluten-free thin crust pizza, extremely thin crust, and I wanted to add nice black and green olives, and also I wanted to add a lot of jalapenos and less cheese. I want a lot of asparagus in that, and as I already told you, add some cashew chips and a brother, lot of. Brother, आप जरा किसी और को भेजो. Thank you, sir. Hey, उसको वापस क्यों भेजा तुमने? वो नया है, ma'am. उसका यूनिफॉर्म पुराना है, पर शूज नए हैं. ऑर्डर लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे. अगर गलती की तो नौकरी चली जाएगी, या डर उसके चेहरे पर दिख रहा था. ऑर्डर प्लीज. क्या वो नया है? यस मैम. ठीक है, मैं बाद में बुलाती हूँ. थैंक यू मैम. इतने शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? ह्यूमन आई 576 मेगापिक्सल मैम. इंसान उसका इस्तेमाल करना बंद करके 16 मेगापिक्सल सेलफोन यूज कर रहा है. अच्छा, तुम्हारी आंखें इतनी पावरफुल है. ठीक है, इस रेस्टोरेंट में कितने टेबल है बताओ? हाँ, अगर सुनने वाला हो ना तो कोई भी फिलोसॉफी सुनाते रहता है. टोटल एरिया 4500 स्क्वायर फीट, 11 टेबल्स, 44 चेयर्स, 35 कस्टमर्स, 20 मेल, 15 फीमेल, 9 मेकर्स, 2 मैनेजर्स, 2 क्लीनिंग स्टाफ, 10 टेबल्स आर ऑक्यूपाइड, 1 टेबल इज रिजर्व्ड, 5 टेबल्स हैव फूड सर्व्ड, 3 टेबल्स वेटिंग फॉर फूड. एक टेबल पर बिल नहीं भरा है और एक टेबल पर फूड ऑर्डर नहीं किया है. बिल काउंटर इज ऑन द लेफ्ट साइड, हैंड वॉश ऑन द राइट साइड. तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं और 4 लड़के तुम्हें देख रहे हैं और तुम इस वक्त मुझे देख रही हो. जो दिख रहा है वही बताया तुमने, जो नहीं दिखता वो बता सकते हो क्या? मैडम 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 प्लीज मैडम, उसने जो पूछा वही मैंने बताया. प्लीज हमारी बात तो सुनिए. हमारे मैनेजर को कॉल करके मैटर सेटल कीजिए मैडम. अरे सारा मामला बिगाड़ दिया आपने. अरे उसने पूछा तो मैंने बता दिया, अब झेलो. मैडम 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 प्लीज मैडम प्लीज मैडम 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 प्लीज मैडम प्लीज मैडम. मैनेजर को फोन करो. मैडम फोन करो. अकाउंट निकालने को बोलोगे या हमें निकालने को बोलोगी? तुम लोग मेरा पीछा करना बंद कर दो, इसके लिए जो कहोगे वो मैं करूंगी. फिर आप कहना कि अकाउंट नहीं निकालने. एक मिनट. हाँ सर. बोलो. मैडम जी आपसे बात करना चाहती है सर. एक मिनट मैडम. मैनेजर. यस मैडम. अब्दुल सलीम के पास से तुमने जो लैपटॉप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है. मोर देन दैट, पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें है. उसको कैसे पता चला सर? सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेड जैकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था, याद है ना तुम्हें? वो रॉ एनालिस्ट था, उसी इंफॉर्मेशन के लिए सलीम वहां गया था. बट वो इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंचा या नहीं ये पता नहीं. नहीं गया. अगर इन्फॉर्मेशन गया होता तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुके होते. ऐसा नहीं हुआ मतलब इन्फॉर्मेशन इज सेफ. कल सलीम को कोर्ट में सबमिट करने का ऑर्डर मिला है. इट्स टू डेंजरस सर. इस सीक्रेट के बारे में जानने वाला सलीम अकेला है. सलीम के पास जो है उसके अलावा उसके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंजरस है. वो उनको चाहिए, इसलिए उन लोगों ने सलीम को जिंदा छोड़ा हुआ है. सो पक्का सलीम को भगाने का प्लान किया जाएगा. कल जब सलीम को कोर्ट ले जाया जाएगा तब उसे भगाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी न्यूज आई है. जब मालूम है कि डेंजरस है तो कोर्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर इन सब बातों से डर जाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे? किस रूट से लेकर जा रहे हो? रूट मैप ये है. तिहाड़ जेल से कोर्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. ट्रैफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाए कोर्ट पहुंचने में मिनिमम 20 मिनट लगते हैं. ये 20 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तिहाड़ जेल में और कोर्ट के सराउंडिंग में हेवी सिक्योरिटी होगी, इसलिए वो लोग ऑन द वे ट्राई करेंगे. ऑन द वे हमें प्लान एग्जीक्यूट करना होगा. उसको बाहर मत लाइए सर, अगर बाहर ले आए तो बाद में पछताएंगे. आई हैव ऑर्डर्स टू फॉलो अर्जुन. इट्स अप टू यू टू डिसाइड सर. शहर के हर 200 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा, हर जंक्शन का एक पैरामीटर होगा. उनको क्रॉस करके उसे ले जाना आसान नहीं है.
इंडियंस के घर में बॉम्ब लगाना पड़ेगा। साला हस, अगर मुझे कुछ हुआ तो इंडिया में आग लग जाएगी। लग जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं, कुरैश के दिल में, पाकिस्तान कैंप में। साले, आर यू गोना मैड? तुमने क्या किया जानते हो तुम? वो जिंदा क्यों चाहिए था सर? वो कोई सच्चाई बताने वाला नहीं था। कुरैशी के खिलाफ भी कुछ नहीं बताता। अगर जिंदा रहता तो किसी होटल को कैप्चर करता, किसी एयरबस को हाईजैक करता। वो जिंदा रहता तो पब्लिक को प्रॉब्लम होता, और छूट जाता तो पाकिस्तान में हमारे एजेंट्स को प्रॉब्लम होता। होम मिनिस्टर को, मीडिया को, ह्यूमन राइट्स वालों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होगा पता है तुम्हें? देश के सामने ये बहुत छोटा है। भागने की कोशिश करने वाले अब्दुल सलीम को, जिन्होंने उसे भगाने की कोशिश की उनको आर्मी ने मारा है बोल दीजिए। कुरैशी के अलावा सब लोग खुश हो जाएंगे। फुल सिक्योरिटी के बीच में से अब्दुल सलीम को जेल से कोर्ट ले जा रहे थे उस वक्त अटैक करने वाले टेररिस्ट और आर्मी के बीच जो फायरिंग हुई है उसमें अब्दुल सलीम और उसके साथी मारे गए हैं। अब आगे क्या करेंगे? एंजॉय योर डे। अभी कहाँ हैं आप? सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ। मुझे बिना बताए फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो? अरे नए फ्रेंड्स नहीं, हमारे रामकृष्ण। अच्छा, रामकृष्ण के साथ हो? ओ, सारे दोस्त एक साथ बैठ के कहीं दारू पी रहे होंगे। आदि भी वही होगा, मुझे दे मैं देखती हूँ। फोन कट कर दिया। हे अर्जुन, इसकी शादी हो गई है और एक लड़का भी है। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इन दोनों की अनगिनत गर्लफ्रेंड्स है, मैंने सब देखा है। अरे क्या तू What happens to you, man? मेरी कभी शादी नहीं होगी सर। लेकिन हमने तो शादी की है। सर हम दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक सच्ची और एक झूठी। सुन लो, सच्ची किसी को बता नहीं सकते और झूठी सबको पता है। जो मुझ पर भरोसा करेगी उससे मैं झूठ नहीं बोल सकता। कम ऑन अर्जुन, जो लड़की विश्वास करेगी वो आएगी, उसे बताने की क्या जरूरत है?
जो लड़की तुम्हें समझेगी वो विश्वास भी करेगी, उससे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। That's all, very simple. Why do you want to complicate it yourself? ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी सर? ढूंढोगे तो जरूर मिलेगी, search for it. हमारा काम तो यही है ना। Enjoy. Cheers. कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या हुआ इसे? कुछ दिनों से बॉबी ना ठीक से खा रहा है ना ठीक से सो रहा है, रात को चीख रहा है और सुबह छींक रहा है। रात को चीख रहा है मतलब ऐसी आवाज? हाँ एग्जैक्टली डॉक्टर। कभी कभी टांग उठाता है? मेरे आते ही डॉक्टर। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। चीखता है तब टांग उठाता है? होल नाइट डॉक्टर। हाँ होल नाइट है? दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई मेडिसिन हो तो? मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, उम्र हो गई है ना, स्त्री स्पर्श की चाहत है। मतलब जैसे हमारे लिए डेटिंग होती है वैसे ही डॉग्स के लिए मेटिंग की चाहत होती है। अब करना क्या होगा डॉक्टर? इसके दो तरीके, पहला स्त्री डॉग के साथ इसकी मेटिंग करवा दे, नहीं तो फसाक। फसाक? ये क्या होता है? ये जिस प्रजाति का है स्त्री डॉग भी सेम प्रजाति की होनी चाहिए, अगर मामला दूसरी प्रजाति पर चला गया तो जान का खतरा हो सकता है। रेयर ब्रीड। लेकिन इतने बड़े शहर में सेम प्रजाति की फीमेल डॉग कहाँ मिलेगी? ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, हमारी पप्पी को 500 देंगी तो वो एड्रेस बता देगी। पप्पी? पप्पी मतलब आप कुत्ता समझ रही हैं? माय रिसेप्शनिस्ट। ओ पप्पी। यस डॉक्टर। यस जाइए जाइए। थैंक यू डॉक्टर। एड्रेस तो यही है ना? एड्रेस तो करेक्ट है। अब एक्सक्यूज मी, अरे आप, ये लोग यहाँ पर? ये आपका घर है? ऐसे ही समझे, आइए। ओह माय गॉड, कम, नाइस प्लेस, ओह सो क्यूट, बिल्कुल मेरी बॉबी की तरह है। ओह बेबी, सो क्यूट, व्हाट्स हर नेम? पेको। वैसे मैं यहाँ आपके लिए नहीं इसके लिए आई हूँ, एक्चुअली मेरे पास भी सेम ब्रीड मेल डॉग है बॉबी। डॉक्टर ने इन दोनों की मीटिंग के लिए मुझे आपका एड्रेस दिया है, अगर काम नहीं होगा तो डॉक्टर ने कहा है कि कट कर देंगे। वैसे डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, अगर हम अपना झगड़ा भूलकर इन दोनों की मीटिंग करवा दे तो। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट आपको क्यों, इसको होना चाहिए। इसको इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको कैसे मालूम? अभी आपने कहा ना, डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। रामकृष्ण जी, आज ड्राइड है, अपने घर में कुछ बॉटल बची है क्या? तुम यहाँ कैसे? तुम भी यहाँ? हाँ मैं, बेबी जरा साइड हट तो। तुम यहाँ कैसे? हमारा बॉबी रात भर चीखता रहता है, बस उसका गला दबा दो बिल्कुल शांत हो जाएगा। अरे रे, कैसी बात कर रहे हो तुम? अपनी पैको को मेरे बॉबी के साथ एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, बहुत अच्छा होगा। अरे ये क्या है रामकृष्ण जी, इनका दिल आता है तो ये हमारे साथ खेलती हैं, और इनके कुत्ते का दिल आ गया तो ये हमारी पैको के साथ। अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए मैडम, मैं इसे अपनी कंपनी के लिए पाल रहा हूँ, इसकी मेटिंग करवाएंगे, इसके बच्चे पैदा करवाएंगे, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर झगड़ा है तो हमारे बीच होना चाहिए, उसमें इनका क्या कसूर। अरे जाओ जाओ, उसे इतनी बियर मंगवा कर हजम कर लिया और उसके बाद हमें धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया था, तब ये शराफत कहाँ थी। चलो निकलो यहाँ से। ए, क्या है? अब तुम जरा ज्यादा ही बोल रहे हो, पूरे शहर में इस ब्रीड का कुत्ता सिर्फ तुम्हारी पास है क्या? इनको निकलने के लिए बोले यहाँ से, इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। ठीक है देख लो, देख लेना, अभी निकलो। वैसे दिखाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, और अभी फ्रेंड को फोन करके बोतल सेट करनी है हमें। गुड बाय। एक एड्रेस का 500 देना होगा। आप खुद आएंगे तो 5000 मिलेगा। है? 5000? ओके थैंक यू। बॉबी आ गई तुम्हारी स्नूपी, फ्रेश है। एज कितनी है? 3 months। डॉक्टर ये तो बहुत छोटी है, चाइल्ड अब्यूज्ड केस हो जाएगा, लेट्स गो। ओह थैंक यू। क्या हुआ? बहुत ताड़िया, आप चलो। चलता। डॉक्टर कैसे हैं आप? गुड गुड। हाय हाय। ये देख आ गई तेरी मेल डॉग।
नोट में मैंने एज मेंशन किया था, एक्चुअली मेल या फीमेल का जिक्र नहीं किया था। इस बार एडजस्ट कर लेते हैं। शी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया है। ऐशु, क्या कहा ऐशु? जब जान पहचान हो जाती है तो मैं पूरा नाम लेकर नहीं बुलाता, और जब मेरी जान पहचान हो जाती है तो मैं फीस नहीं देती। ऐश्वर्या जी, क्या है? अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही कुतिया बची है जो उसी गधे के पास है। पर वो मान ही नहीं रहा। इंप्रेस कीजिए। कैसे? इधर आपका बॉबी और उधर उसकी कुतिया, दोनों में अगर साथ में इच्छा जागेगी तो। क्या मतलब? बिना दर्द के हैप्पी एंडिंग। किसको? आपके बॉबी को। और कोई रास्ता नहीं है क्या? ओनली वन, फसाक। जैसे कोई अप्सरा साड़ी पहनकर आ रही है ऐसा लग रहा है। आपकी किस्मत देखकर बहुत जलन हो रही है मुझे। ये फिर से हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर रही है ना रामकृष्ण जी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सिनू भाई। तू बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, जबान को लगाने दे सिनू। रामकृष्ण सर, अंदर आओ अभी। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा इसे। सर क्या? रामकृष्ण, मैडम ने एक फेवर मांगा और तू मना कर रहा है? इंटरेस्ट नहीं है सर। क्या मतलब इंटरेस्ट नहीं है? तू और तेरा वो दोस्त इस बैंक में है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी मैं एडजस्ट तो कर रहा हूँ ना। मैंने अभी एडजस्ट किया तो मेरे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी सर। पर प्रॉब्लम क्या है? आपको अगर प्रेगनेंसी का डर है तो मैं कॉन्ट्रासेप्टिव भी साथ लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने बताया ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो, फ्री में बताओ, घंटे का क्या लोगे बताओ? बाबा रे बाबा। घर का प्रॉब्लम है तो रिसोर्ट बुक कर लेंगे। बाबा रे बाबा। आप कितना भी कह लो, मेरा दिल नहीं मान रहा। एक खूबसूरत लड़की सामने से ऑफर दे रही है, फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? आप भी तो एक मर्द है ना। रामकृष्णा सर, आजकल की गंदी दुनिया वासना के पुजारियों से भरी पड़ी है। इस कलयुग में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम को देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। लगता है स्क्रू ढीला हो गया। बाप रे। प्लीज अब तो मान जाओ ना। प्लीज माफ करो। यहाँ क्यों आए? अब उसे किडनैप करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। उसको किडनैप करना है? नहीं, उसके कुत्ते को। ये देखो, चाबियों का गुच्छा लाया हूँ। तुम भी ना। खुल गया। क्या कर रहे हो? डॉग प्रिंसेस कहाँ है सुनकर पता कर रहा हूँ। अच्छा, बेडरूम में। ओके चलो। माय पेपो। कितना टाइम लगेगा? बस हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, कैरी ऑन। हाँ, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतनी बार सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी ना प्लीज। तुम मुस्कुरा रहे हो? अरे बाप रे, मैंने तो सोचा तुम डांटोगे और किडनैपिंग का केस करके हमें अंदर करवा दोगे। थैंक गॉड। मैं यही करने वाला था, लेकिन तुमने बॉबी के लिए जो रिस्क लिया उससे मैं कन्विंस हो गया। थैंक यू। कॉफी पियोगे तुम? तुम कॉफी भी पीती हो क्या? हेलो, मैं शरीफ लड़की हूँ। हाँ, वो तो कभी कभी फ्रेंड्स के साथ चल जाता है, बस इतना ही। अकेले रहती हो? या जस्ट मी एंड बॉबी। मम्मी पापा? मेरी माँ नहीं है, पापा दूसरी शादी करके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। साल में एक आध बार मुझसे मिलने आ जाते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, बट
फोन पर बात करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। बर्थडे में एक गिफ्ट और साल में एक फोन कॉल। कभी कभी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ, बट दैट्स लाइफ राइट, सो आई एम हैप्पी। कॉफी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। बैंक में इतना ज्यादा गुस्से में और यहाँ तुम्हें इतनी शांत देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, हर लड़की की तरह मुझ में भी तो फीलिंग्स है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं है, बॉयफ्रेंड। लव नहीं बोल सकती हूँ, 9th स्टैंडर्ड में क्रश था, पर वो तो मेरा क्रश ही रह गया, और अभी प्यार करने के लिए टाइम नहीं है। चलो मीरा छोड़ो, तुमने अभी तक किसी से प्यार क्यों नहीं किया? सब लोग मुझे पागल बोलते हैं। वो तो है, तुम गुस्से वाले हो, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम माने ही नहीं। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, पता है? साड़ी सूट्स यू। स्माइल सूट्स यू। हम सबको इस तरह साथ में बैठे कितना टाइम हो गया ना? सब लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, तुम अकेले क्यों आए हो? कोई बात नहीं, अगली बार साथ में ले जाएं। क्यों भाई, ऐश्वर्या क्या बोल रही है? ऐश्वर्या? ये ऐश्वर्या कौन है? इसके पीछे जो पड़ी है वो लड़की। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुई है लव स्टोरी? बैंक से स्टार्ट हुई थी, फिर ऑफिस, कॉफी शॉप, और अब तो उसके घर तक पहुँच गई है। कौन है वो लड़की? वो मेरी बैंक कस्टमर है, बैंक के काम से मिले थे। बैंक के सारे काम तो दिन में किए जाते हैं, तो फिर रात में किसी लड़की के घर जाने की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही यहाँ पर आ जाएगी, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए ना तुम लोग? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें नहीं है, लेकिन उस लड़की को तो है ना? Exactly. लव नंबर दो, मैं पूछती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ आएगी। जस्ट वेट, वो यहाँ नहीं आएगी। अरे वो आ गई। फैमिली गेट टुगेदर है ना? ये तो बहुत सुंदर है। हाय। 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 इसको यहाँ किसने बुलाया? हाय। हाय। क्यों राम, अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे नहीं मिलाओगे? गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड। लेकिन तुमने तो बोला था बैंक में मिले थे, वो मेरी कस्टमर है। आप सब लोग राम कृष्णा के बचपन से फ्रेंड्स हो? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग देहरादून की ट्रेनिंग में मिले थे। बैंक की ट्रेनिंग देहरादून में होती है? अरे नहीं नहीं नहीं, बैंक ट्रेनिंग के लिए नहीं, हम लोग एक ही फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुए थे, उसी की ट्रेनिंग के लिए देहरादून गए थे, वहीं हम सब मिले। दैट्स नाइस। और तुम्हारे मम्मी पापा? मेरा कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा बैंक में काम करते थे, एक ब्लास्ट में मारे गए, आर्मी कैंप में पला, आर्मी स्कूल में पढ़ाई की, फिर ये सारे फ्रेंड्स मेरी लाइफ में आ गए और मेरी फैमिली बन गए। नाउ दिस इज माय फैमिली। कम ऑन गाइस, लेट्स हैव शॉट्स। ओके, यस। एंजॉय करना है। एक्सक्यूज मी, वन मोर शॉट प्लीज। या मैम। थैंक यू। कमाल है भाई। कौन सी? Hey, सिर्फ कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट में कहाँ क्या चीज है सही से बता दिया, लेकिन एक लड़की के दिल में क्या है ये नहीं पता चला। क्या तुम्हारे मेगापिक्सल 576 को कुछ हो गया? हाँ। Hey, I love you. I love you. तुमने ज्यादा पी लिया, नीचे बैठ जाओ। I'm serious, रामकृष्णा। ऐश्वर्या, तुमने ज्यादा पी है। नहीं,
मैंने ज्यादा पी नहीं है और मैं नशे में भी बात नहीं कर रही। ओके नाउ स्टॉप द कार, स्टॉप। जस्ट वन वीक में इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया ये मत पूछना। मैं कोई 16 साल की पागल लड़की नहीं हूँ जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए। आई एम मच मोर मैच्योर देन यू थिंक यू नो, एंड आई रन होल बिग कंपनी। सुनो, मैं तुम्हें हग करके रोना चाहती हूँ, और हग करने के बाद मुझसे ज्यादा तुम खुश हो जाओगे ये भी बताया मुझे। ऐसी सो फीलिंग्स है मेरे अंदर, सब बताना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, डोंट यू अंडरस्टैंड। क्या हुआ? ए, जस्ट अ मिनट। हेलो, बैग
किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा है तुझे? ये फोटोज तेरे पास कहां से आए? कहां से आए? बोल। सर, अर्जुन वहां पहुंच गया क्या? यस सर, कुलकर्णी सर है। सर, बाकी सबके फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं सर। 10 मिनट पहले हम सब साथ में थे। प्लीज ट्रैक देयर फोन्स। हेडक्वार्टर आ जाओ इमीडिएटली। ओके ओके, आई एम कमिंग सर। हमारे बीच फायरिंग हुई, सारे लोग मारे गए, यही लिखो। okay, इसे मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है सर। बाय द वे, इसे इसके घर ड्रॉप कर दो। okay, सर। जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी right, दो। सर। चल, चल। बहुत जल्दी। उन लोगों का कुछ पता नहीं अर्जुन, फैमिली को छोड़कर बाकी चारों को लेकर चले गए, ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। के साथ इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बोल, मुंह खोल अपना, बोल। शिट। किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता हूं ये जरूरी नहीं है। किसने भेजा ये पूछो। किसने भेजा है तुम्हें? किसने भेजा? सोहेल। सोहेल? सुहेल इब्राहिम कुरैशी। कुरैशी का बेटा। तो खुद ये आर्मी रॉ, तुम सारे लोग एक साथ मिल जाओगे ना तो भी सोहेल भाई को टच नहीं कर पाओगे। हे अर्जुन, यही एक सबूत हमारे पास था। आई डोंट केयर अबाउट इट, आई नीड कंप्लीट डिटेल्स अबाउट सोहेल। लेकिन इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे इसके बिना? ओह माय गॉड अर्जुन, अर्जुन भाई दोस्त है ना, इन्हें ऐसे देख के दर्द तो हो ही रहा होगा ना। अरे ओ बिना मसल के पहलवान, तुमने सलीम भाई को मार दिया, तुम्हें क्या लगा कि हम चुप बैठेंगे? नो 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 नो, 2 घंटे तहकीकात करके टाइम वेस्ट किया तूने, और उसी 2 घंटे में दिल्ली से कराची मैंने इन्हें उठवा लिया। तेरे ब्रेन की प्रोसेसिंग मुझे थोड़ी स्लो लग रही है। अपडेट कर साले। बेटा, तुम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ते हो और हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, तो रॉ वॉर बन जाता है। जब तुम वॉर की शुरुआत करोगे तो हम वॉर की दी एंड करेंगे। दी एंड। बहुत सुना है तेरे बारे में मिस्टर अर्जुन, अंडरकवर मार्शल, 100% सक्सेस रेट। जब ये सुनता हूं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। अब साले मैं तुझे चैलेंज करता हूं, मैं इंडिया से तेरी ही फैमिली से 4 लोगों को यहां लेके आ गया। तुम इंडियंस में दम है तो आ जाओ कराची।
और अपने दोस्तों को ले जाओ, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। तूने माँ का दूध पिया है तो वहीं रुक साले, मैं आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अभी क्या करना चाहते हो कुलकर्णी? सर, उन चारों को बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए सर। कुछ न कुछ मतलब? सर आपको तो पता है कि वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं सर। व्हाट नॉनसेंस! तुम तो जानते हो ना, कुछ दिनों में G8 समिट होने वाला है। पीएम के साथ सभी लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इंडिया पर लगी हुई है और इस वक्त कराची जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करोगे तुम लोग? Senseless. तो क्या उनको ऐसे ही छोड़ दें सर? जान की परवाह किए बिना इंडिया क्लेम करे या ना करे, नो ऑब्जेक्शन बॉन्ड पर साइन करने के बाद ही तुम लोगों ने रॉ ज्वाइन किया था, सब कुछ पता है। उसके बावजूद जान की परवाह कर रहे हो? देश के लिए अपनी जान देने को मैं हरदम तैयार हूँ। पाकिस्तान में बैठा आदमी हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारी फैमिली क्या है, सब डिटेल्स हासिल करके हमारे ही लोगों को किडनैप कर रहे हैं। तो इंडिया में उनका नेटवर्क कितना बड़ा होगा सोचिए सर। कौन कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता लगाना होगा। दैट्स रॉस फेलियर, नॉट इवन रॉ, इट्स यू। फेलियर और सक्सेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ सर, चार एजेंट्स की जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। लुक अर्जुन, तुम्हें जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका, तुम कौन हो सबको पता चल गया है, तो अब तुम्हारा रॉ का कोई संबंध नहीं है। यू गेट दैट? इनफैक्ट तुम यहाँ मीटिंग में हो, ये सबसे बड़ी गलती है। सर वी हैव टू, सर प्लीज सर, उन चारों को इंडिया करनी। तुम इसे यहाँ से जाने के लिए बोलोगे या फिर मैं खुद इसे बोलूं? सर वो अर्जुन, सर मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए, कराची के एजेंट्स का सपोर्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप जाने के ऑर्डर दीजिए सर। इमोशनल होने के लिए मैं कोई फादर या फ्रेंड नहीं हूँ, रॉ का चीफ हूँ मैं। मेरे ऊपर भी कुछ रूल्स हैं, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, परमिशन, इनके लिए कैलकुलेशन की जरूरत होती है, यू नो दैट। सो उनकी जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है ना? यस, एज फॉर रिकॉर्ड्स, उन चारों का और तुम्हारा रॉ के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम कौन हो रॉ को पता नहीं, रॉ देश की प्रायोरिटी है, हर किसी की जान को बचाना मुमकिन नहीं है। देश के लिए जीने वाले चार लोगों की जान नहीं बचा पाए तो देश को क्या बचाएंगे सर? अर्जुन, एज फॉर द रिकॉर्ड्स, यू आर नॉट माई बॉस एनीमोर, सो डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। वो चारों सिर्फ मेरे कलीग नहीं, मेरी फैमिली हैं। उनकी हिम्मत मैं हूं, उनकी जान मैं हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? घर पर नहीं गई? सिक्योरिटी का क्या हुआ? तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? कौन हो तुम रामकृष्ण? तुम कौन हो? अभी तुम घर जाओ, मैं बाद में बताऊंगा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता मैं नहीं जाऊंगी। मेरा नाम रामकृष्ण नहीं है। परिवार वाले पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्हें कोई उठा लिया है ये कंप्लेन लिखवाने। मैं तुम्हारे पास आई हूँ सच्चाई जानने के लिए। अर्जुन, जब मुझे उससे प्यार हुआ था तो पहले डर लग रहा था, फिर उसने मुझे सब सच बता दिया, तब मुझे लगा था तुम उसके साथ रहोगे तो उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे भरोसा था। आखिरी महीना है और 10 दिन के बाद डिलीवरी डेट है। मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद पूछेगा कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? जिस दिन वो पैदा होगा अपने बाप की शक्ल देखेगा, और ये बैंकर रामकृष्ण का नहीं अर्जुन का वादा है। अब तो तुम समझ गए ना मैं कौन हूं और क्या हूं। तुमने जिससे प्यार किया वो बैंकर रामकृष्ण एक झूठ है, और ये सच है।
मैंने तुम्हारी जॉब से या तुम्हारे नाम से प्यार नहीं किया। बैंक एम्प्लॉय रामकृष्ण का टैलेंट देखकर उससे प्यार कर बैठी, और अब जब पता चला कि तुम कौन हो तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। मेरे लाइफ में कॉमा कब लगेगा और फुल स्टॉप कब लगेगा ये मैं भी नहीं जानता। यहाँ किसके साथ कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता अर्जुन, लेकिन हम अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे ये इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी जिंदगी में खुशी का एक पल भी काफी है। बस जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करो। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया मियां, फैमिली पूरी पाकिस्तान में रह गई। पुलिस को पता चला इलीगली रह रहे हैं तो उन्हें को अरेस्ट कर लेंगे। 2,00,000 रुपए फीस है और ऊपर का खर्चा तेरा, समझे? मालूम मेरे को, पैसा भी लेको आया। परसों शाम तक जैसलमेर मार्केट में आ जाओ, ट्रक वहीं से निकलेगा। हाँ जी, शुक्रिया जनाब, निकलता हूँ। एक्सप्लेनेशंस कुलकर्णी, इस वक्त कोई डिस्टरबेंस ना हो, मैंने तुम्हें क्लियर समझा दिया था, उसके बावजूद ये सब हुआ है। इट्स अ ब्लंडर ऑन योर पार्ट। सर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। इससे रॉ का कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन इज नॉट इन ऑर्डर, ही इज थ्रोन आउट। बैंक में लीव नहीं लगा है। बैंक और रॉ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कराची ही गया है, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है सर। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? अर्जुन इमोशनल है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। वो अपने कलीग्स को बचाना चाहता है, ये बात भी तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हें उसे रोकना है ये नहीं पता है? क्या कर रहे हो तुम? सर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई विल नॉट लेट एनीवन बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर इंडिया। कराची में जो हमारे एजेंट्स हैं उनको ऑर्डर्स भेजो, अर्जुन जहां भी दिखे उसे खत्म कर दिया जाए। शूट दैट साइट। सर, बट इज दैट क्लियर? सलाम वालेकुम सोहेल भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अर्जुन को छेड़ो मत, और अगर छेड़ो तो छोड़ो मत, लेकिन आपने दोनों नहीं किया। तो क्या हुआ? मेरा गैस सही निकला, अर्जुन ऑलरेडी कराची पहुंच चुका है। आप हंस रहे हैं? तो क्या करूं, सब सही हो रहा है। मैंने जैसा प्लान किया वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। What? शेर की नजर अपने शिकार पे, शिकारी की नजर अपने शिकार पे। अगर ऐसा नजारा दिख जाए तो शिकार देखने का मजा ही कुछ और है। अब शेर बकरी के पास जाए या बकरी शेर के पास आए तो वो बकरी बचेगी क्या? आप भूल रहे हैं वो अर्जुन है। तो मैं सोहेल हूँ, कराची मेरी है, यहाँ हर कदम पे उसकी मौत है। आइए जरा। बुके मिलेगा? हाँ मिलेगा ना सर, बताइए कौन सा चाहिए। गार्डन रोज, डलिया, लिली, सिल्वर डॉलर, पिंक लोटस। ये लीजिए। शुक्रिया।
I have seen you. You come out now. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात करनी है। तुम्हें देखते ही शूट करने का ऑर्डर है। इतने रिस्क लेकर इतनी दूर आया हूँ। सिचुएशन को समझ जाओ। तुम्हारी सिचुएशन मुझे नहीं सुननी। यहाँ क्यों आए हो ये बताओ, वरना इस गन की सारी गोलियाँ तुम्हारे सीने में उतार दूंगी, समझे? अगर मैं गन से डरता तो रॉ में शामिल नहीं होता, अगर मौत से डरता तो कराची कभी नहीं आता। हम बात कर सकते हैं? यहाँ हर जगह उसके आदमी है, तुम्हारे लिए ये सही जगह नहीं है। तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले फातिमा बाजार आएगा, उस बाजार से तुम्हें सेकंड लेफ्ट लेना होगा। 500 मीटर की दूरी पर तुम्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देगी। ओपन द डोर। लेफ्ट में छोटी विंडो है, उसे खोलो। क्या बात करनी है? सोहेल, मेरे टीम के चार लोगों को किडनैप करके यहाँ पाकिस्तान लाया है। उन्हें जहाँ भी छुपाया है वहाँ से उन्हें आजाद करा के इंडिया ले जाना है। इम्पॉसिबल, सोहेल इब्राहिम कुरैशी की तरह नहीं है। 10 जगहों पे 10 लोगों को वो एक साथ एक बार में ऑपरेट कर सकता है। सोहेल का नेक्स्ट मूवमेंट लास्ट सेकेंड तक किसी को भी नहीं पता चलता है। उसे कब क्या चाहिए, क्या करना है वो नहीं बताता। टॉपिक वही क्लोज। सोहेल की प्लानिंग जान नहीं सकते तुम। एग्जीक्यूशन डिस्ट्रक्टिव। अगर यहाँ अपने दोस्तों के लिए आए हो तुम तो उन्हें भूल जाओ, ऑलरेडी मार दिए गए होंगे। अगर मारना ही होता तो उन्हें इंडिया में मिलते ही मार देता। इतनी प्लानिंग, इतना एग्जीक्यूशन नहीं होता। किसी वजह से उन चारों को जिंदा रखा है, बचाना है उन्हें। जो बोल रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आता? ये कराची है, यहाँ कुरैशी को कोई टच भी नहीं कर सकता। कब कहाँ क्या हो जाए इसका कुछ भी पता नहीं। यहाँ का शासन भी उसके ऑर्डर फॉलो करता है। आम से लेकर खास तक सबके सब उस कुरैशी की गुलामी करते हैं। सोहेल को पकड़ना मुश्किल है। नहीं मिलेगा तुम्हें। मिलेगा। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। सोहेल कोई खुशबू नहीं है जो अपने आप ही फैलेगी। अगर वो कुछ करना चाहता है तो एक जगह पर नहीं बैठ सकता। प्लान क्या है? सर्वेलेंस कैमरा कहाँ कहाँ पर लगा रखे? ऑलरेडी 7 हाउसेस के हर एक रूट पे कैमरा लगा रखा है। इट्स नॉट इनफ। उस रोड से कनेक्टेड सारे रोड्स पर कैमरा चाहिए। कैमरास, और ये कैमरास उनकी नजर में ना आए इस तरह से फिट किया है मैंने। बट नो यूज। हर एक इंसान का तो डेली रूटीन होता है, लेकिन सोहेल का कोई रूटीन नहीं है। सोहेल का कोई रूटीन नहीं है तो क्या हुआ? इन वीडियोस के अंदर एक क्लू है। कैसा क्लू? जिस रोड से सोहेल का कॉन्वॉय गुजर रहा था वहाँ एक बार भी रेड सिग्नल नहीं हुआ। बताया ना कि यहाँ कुरैशी फैमिली को प्रेसिडेंट से बढ़कर इज्जत दी जाती है। दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर सोहेल का प्रोग्राम फिक्स नहीं है और सोहेल का कॉन्वॉय रोड से जा रहा है तो उस रोड के हर सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी। हर जंक्शन पे वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा। सोहेल का प्रोग्राम अगर किसी को पता है तो वो है कराची ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट वालों को। सिर्फ कमिश्नर ऑफिस से ही हमें सोहेल की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ट्रैफिक कमिश्नर का ऑफिस कहाँ है? सोहेल के मेल्स, आईएसआई के मेल्स जरूरत पड़ने पर हैक कर सकते हैं, पर कमिश्नर के मेल्स को एनक्रिप्ट कर लिया तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
मुझे कमिश्नर की सारी डेली रूटीन डिटेल्स चाहिए। कमिश्नर डेली सुबह 11 बजे ऑफिस जाता है, 1 to 2 लंच, इवनिंग 6:30 रिस्ट्रिक्टेड पब में जाता है, डेली इवनिंग 6:30 to 9:30 कमिश्नर लड़कियों के साथ पब में रहता है, he is a womanizer। शाम के नमाज के टाइम पर कमिश्नर ऑफिस में सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है, हम उस समय का इस्तेमाल करके कमिश्नर के लैपटॉप से सोहेल का मेल डिक्रिप्ट करेंगे, और कमिश्नर का रूम एक्सेस करने के लिए हमें उसके फिंगरप्रिंट चाहिए होंगे। I'll get it। Excuse me. Can I offer you a drink? Yeah, sure. Thank you. Hi. I am Ali Khan. Nice meeting you. कमिश्नर के थंब इंप्रेशन। I am a big fan of your dance. कमिश्नर ऑफिस, हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही, हेलो। ज़ुबैदा, थंब इंप्रेशन इज नॉट वर्किंग, कैन यू सेंड मी द अदर फिंगर्स? फास्ट 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 फास्ट। कौन है? हेलो, अरे कौन है जो बार बार फोन कर रहा है और बोल भी नहीं रहा है? शिट, सुबेदा, वॉइस कमांड चाहिए मुझे, जल्दी, देयर इज नो टाइम, क्विकली। What's your name? Actually, मैं सुन नहीं पाई, बाहर शोर था काफी। One minute. मोहम्मद अली, मोहम्मद अली खान। What? मोहम्मद अली खान। Any problem? अर्जुन, what happened? Is everything yeah, okay? It's copying. Hello?
अर्जुन, he left. Hurry up. It's getting ready. Can you hold him for some time? क्या हुआ साहब? क्या कर रहे थे तुम लोग? साहब मैं तो नमाज पढ़ने गया था। कल शाम को सोहेल इस होटल में जा रहा है। पर किससे मिलने के लिए? सम प्राइवेट जेट ओनर। सो व्हाट नेक्स्ट? मैम आप डिक्की खोलेंगे प्लीज? कमिश्नर ऑफिस के मेल पे जो मेंशन है वो स्टार होटल यही है। वेलकम मैम। सोहेल आएगा तो फुल सिक्योरिटी रहेगी। ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट यूज करेगा वो, जो स्ट्रेट 9th फ्लोर पर जाएगी। हैव अ प्लेजेंट स्टे सर। थैंक यू। यू वेलकम। सोहेल लिफ्ट में एंटर होते ही डायरेक्ट 9th फ्लोर पे जाएगा, पर हमें उसे 4th फ्लोर पे रोकना होगा। 4th फ्लोर के सारे सीसीटीवी कैमरास मेरे कंट्रोल में होंगे। सोहेल हमारे कब्जे में होगा। और ये सब होगा कैसे? सक्शन टेक मैकेनिज्म, उसके ऊपर एक बार पैर रखने से माइक्रो सेकेंड्स में वहां से एक इंजेक्शन सीधा निकलेगा। 1 सेकेंड के अंदर बेहोश हो जाएगा वो। रूम में ले जाने के लिए 5 सेकेंड्स, भागने के लिए 2 मिनट्स। सोहेल को किडनैप करके हम होटल के बालकनी से बाहर आ जाएंगे। What if it fails? फंक्शन 1st फ्लोर पर होगा। फंक्शन 4 घंटे तक चलेगा और इन 4 घंटों में सोहेल कम से कम एक बार वॉशरूम जरूर यूज करेगा। वॉशरूम यूज करते समय हम सोहेल को कैप्चर कर सकते हैं। सेडेशन से वो 6 घंटे तक नहीं उठेगा। पर उसके साथ तो सिक्योरिटी होगी ना? हम उसे यहाँ कैप्चर नहीं करेंगे, लेडीज वॉशरूम में। और इस प्लान को एग्जीक्यूट मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी। मैं? इस वेंटिलेटर का एग्जिट पॉइंट कहाँ है? इट्स नॉट अ बिग डील, बस हमने जो सोचा है वो हो जाए। होप सो, लेकिन सोहेल को उठा पाओगी ना? Walking towards lift. He's getting into the lift. अच्छा, ये लिफ्ट काम नहीं कर रही है। अब उस लिफ्ट में जाइए ना। ठीक है बेटा। हाँ।
सिक्योरिटी सर, पावर प्रॉब्लम, इट्स बीन क्लियर्ड। Security report immediately to the ninth floor. Okay, sir. I can't see anything anymore. What's happening, Arjun? Can you please tell me? Zubeda, everything has collapsed. We missed the Arjun, chance. I'm telling you again. हम जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हें फ्रेंड्स को बचाना है तो सबसे पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा। सोहेल हमारे हाथ में होगा तो ही हम उन्हें बचा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन, टाइम नहीं है। You have to execute plan B. You have to go now. Go. Okay. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बढ़िया हूँ। He's going to the washroom. Go, go, go! Ventilator से ladies washroom से gents washroom में जाकर उसे किसी भी तरह injection देकर बेहोश करो। Go, go, go! Thank you so much. Get the convoy ready. Sir is going to leave in 10 minutes. Arjun. Yeah. It's not happening. He's leaving the place in 10 minutes. तुम यहां से चले जाओ। My Karachi. But what is this, Arjun? तू तो मार्शल अंडर कवर 100% सक्सेस रेट। क्या क्या बोला जाता है तेरे बारे में मैंने सुना है, लेकिन क्या करें, तेरा ये प्लान फेल हो गया। कितनी आसानी से पकड़ा गया तू। अपने प्लान के बारे में क्या बताऊं? सोहेल, ये तेरा कराची है। यहाँ पर तू एक होटल में है, ये तुझे पता होगा। होटल तेरे कंट्रोल में है, ये पूरे कराची को पता होगा। बट इस कंस्ट्रक्शन में कितने कॉलम्स हैं, कितने बीम्स हैं, कितने कॉरिडोर्स हैं, कितने रूम्स हैं, कितने फायर एग्जिट्स हैं, कितने एस्केप रूट्स हैं, मुझे पता है। इसे ब्लास्ट करने के लिए मेरे ख्याल से 20 kg RDX काफी होगा ना? सिंगल बटन, Your chapter close. तेरा बाप becomes लावारिस। अर्जुन, छोड़ दिया तेरे को, चल निकल। अबे,
बटन पे फिंगर मेरा है, दबाऊं क्या? सबको बाहर जाने के लिए बोल। वॉशरूम चलें क्या? तूने सोचा तेरे दिखाई न देने पे पूरा कराची ब्लास्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं हुआ रे। मेरे दोस्तों को कहां छुपाया तूने? बोल बोल। तू कहना क्या चाहता है मुझे बता सकता है, बट तुझे जो चाहिए वो सोहेल से पूछना होगा। मैं सोहेल नहीं हूं। सोहेल का हम शक्ल हूं। अर्जुन से मुलाकात करने के लिए मेरे हम शक्ल को वहां भेज दीजिए, जिससे कराची में उसका सपोर्ट करने वाला एजेंट और उसका सेफ हाउस सब फिनिश। ब्रिटिश जनरल ने 9/11 में हिलेरी क्लिंटन ने हमशक्ल का इस्तेमाल किया। कई सारे वर्ल्ड लीडर्स हमशक्ल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सोहेल भाई का हमशक्ल मैं हूँ। मुझे सोहेल समझ के बात कर, तेरी हर बात उन्हें सुनाई देगी। नहीं समझा? I am connected to GPS. You are gone, baby. वो मुझे जिंदा चाहिए। लेके आओ। अर्जुन, पूरे प्लेस को घेर लिया गया है। ये सेफ हाउस है, यू नो व्हाट टू डू। बट तुम? ये लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हैं। गो 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 गो। सुबेदा, टेक दिस।
सलाम अलैकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम भाई। ये क्या हो रहा है सोहेल, क्यों किया ऐसा? मुझसे बात किए बिना, मेरी परमिशन के बिना पब्लिक प्लेस पर ओपन फायरिंग हो रही है? बिलाल साहब, बिलाल साहब, बी पेशेंट। हम जीते हैं पाकिस्तान के लिए, मरेंगे पाकिस्तान के लिए, यही स्लोगन होना चाहिए हर पाकिस्तानी का। तुम्हारी ये स्पीच किसी रोड शो या क्राउड पुलिंग के लिए सही हो सकती है सोहेल, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा, तो मनमानी मत करो। तो जाओ अकेले लड़ो, फिर समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान काफिरों का नहीं वीरों का देश है, और अगर वो काफिरों का देश होता तो अब तक हमारे हाथों में होता। जाओ अमेरिका से भीख मांगो। बेटा जबान संभाल के बात कर, नहीं तो ISI के रिस्पेक्ट के लिए अगर तुझे उठा सकता हूँ तो नीचे गिरा भी सकता हूँ। क्या करेगा, क्या करेगा तू सोहेल? भाई मेरी टेंशन क्या, ये तो पता ही है आपको। 15 घंटे के अंदर उसे पकड़कर तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, तुम सिर्फ इंतजार करो। बंद करो कराची। बॉडी में 2 बुलेट जाने के बाद भी वो अभी तक मेडिकल शॉप में नहीं गया। कराची में कौन उसकी मदद कर रहा है पता करो। पता चल जाएगा। वो वो वो। ये मेरा घर है। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं रहता यहाँ। मैं यहाँ पर रहूंगा तो तुम्हारे लिए रिस्क है, पर बाहर जाने में उससे भी बड़ा रिस्क है, समझे? You wanna know what's happening in Karachi? बाहर तुम्हारे लिए मौत इंतजार कर रही है। मुझे मेरे दोस्त जिंदा चाहिए, कुछ भी करके उन्हें बचाना ही होगा। मेरे डैड रॉ एजेंट, मैं पिछले 35 साल से पाकिस्तान में रह रही हूँ। डैड यहाँ कम्युनिकेशन इंजीनियर बन के रहते थे, एक हादसे में उनकी मौत हो गई। आई मिस हिम। डू यू मिस समवन? इट्स ओके,
बताना चाहो तो बता सकते हो। हेलो हेलो अर्जुन, मुझे पता है कि फोन पर तुम ही हो। अर्जुन प्लीज बात करो मुझसे। अर्जुन, बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह मैं भी पता नहीं कब आओगे इसी इंतजार में रहती हूँ। डिनर के लिए चलो, मूवी लेकर चलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं बोल पा रही हूँ, आता है तो बस एक फोन कॉल। लेकिन तुम भी मुझे उतना ही मिस कर रहे हो, ये फीलिंग ही मेरे लिए बहुत है। अर्जुन अर्जुन हेलो, कैन यू सी मी? अर्जुन क्या हुआ? मैंने गुलबर बंगले के पास जो सर्विलांस कैमरा रखा था वो। आई नो यू कैन सी मी अर्जुन, 130 कैमरास मेरी कराची में, वो भी मुझे बिना पता चले। वाह, मानना पड़ेगा ISI को तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। What a agent! Heads off to your boss! तेरे चारों दोस्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं? उन्हें पागलों की तरह तू ढूंढ रहा है ना? है ना? You want to see? Say hello to your friends. You are not taking me seriously. करना। नो 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 नहीं नहीं नो नो दिस इज योर लास्ट वार्निंग, ध्यान से सुन ले साले। तेरा एक एक कदम जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ता जाएगा, मैं एक एक को मारता जाऊंगा। फिर भी तू यहां आएगा? हाँ, तेरी मौत को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। समझ में आया? इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ? यस। प्ले 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 प्ले। रिवाइंड रिवाइंड प्ले अगेन। थोड़ा जूम करो, आंखों में जूम करो। इट्स मॉस्को। ये दिनों में G8 समिट होने वाला है। जल्दी सिंगापुर में G8 समिट, जिस बिल्डिंग में होने जा रहा है वहां 76 कैमरास, बाहर 120 कैमरास, अंदर ये G8 समिट 28 को हो रहा है। हम 26 को, उन तीनों को सिंगापुर सीक्रेट तरीके से ले जाएंगे। इस बिल्डिंग के आसपास लगे हर कैमरे पे हमारी नजर रहेगी ताकि वो बच ना पाए। सो प्राइवेट जेट में उन तीनों को साथ में G8 समिट में भेजा जाएगा और वहां वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। कैसा प्लान? 28 तारीख को इन तीनों को व्हीलचेयर पे बिठा के उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कराने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी उन्हें रोकेगी, उसी टाइम पे उनकी बॉडी में हमने जो बॉम्ब लगाया होगा उसके रिमोट की बटन हम दबा देंगे, फिर बूम। पर उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? इंडिया कहेगी कि ये पाकिस्तान ने किया,
और पाकिस्तान ये प्रूव करेगा कि ये इंडिया ने किया। पर कैसे? हमारे पाकिस्तानी ग्रुप को वर्ल्ड मीडिया में अनाउंस करने के बाद। वो सब इंडियन रॉ एजेंट्स हैं। ऐसा इंक्वायरी कमीशन के सामने पाकिस्तान सबूत देगा। दरअसल पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये G8 कंट्रीज बोलेंगी। उसके बाद इंडिया वाले कितने भी सबूत दिखा लें, कोई फायदा नहीं होगा। कैसे भी उसे रोकना ही होगा। अर्जुन अभी तक जिंदा है। जिंदा रहना चाहिए बिलाल साहब। G8 समिट हो जाने के तुरंत बाद अर्जुन हमारे यहाँ सीक्रेट मिशन पे है। ये बता के हमारे पास जो वीडियो फुटेज है G8 के सामने प्रेजेंट कर देंगे, और जो बॉम्ब ब्लास्ट होगा उसका जिम्मेदार अर्जुन की टीम रॉ और इंडियन गवर्नमेंट होगी। फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बेचारा इंडिया पूरी तरह से फिनिश। समिट में एक ही दिन बचा है, तुम्हें पता है ना, उधर सोहेल के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ी है और तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई नहीं है। कैसे फाइट करोगे अर्जुन? जुबेदा, अब्दुल सलीम सीरिया आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन पास करने वाली यही थी। वहाँ पर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सरदार एरिया में FI हेडक्वार्टर के सामने हमारा एक एजेंट बुके शॉप चला रहा है। यू गो एंड मीट हिम, ही विल गाइड यू टू आवर लोकेशन। सिर्फ कवर अलग हुआ है, मिशन चाणक्य इज ऑन। मेरा गेस करेक्ट है अर्जुन, वो लोग हमारे आदमियों को कल 11:30 कराची से प्राइवेट जेट में लेकर जा रहे हैं। श्योर दे आर गोइंग टू अटैक द समिट, और फिर वो इंडिया पर ब्लेम करेंगे। आई नो वी आर ऑन द थ्रेट सर, पर सोहेल जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। हाउ कैन यू बी सो श्योर? ईगो। अब्दुल सलीम को सीरिया भेजा कराची में रॉ एजेंट्स कौन है ये डिटेल्स जानने के लिए। रॉ एजेंट्स के साथ G8 समिट डिस्ट्रॉय करना चाहता था, हमने उसे रोक दिया। उसी ईगो की वजह से सोहेल हमारे बंदियों को एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा है। ऑल डॉट्स आर नाउ कनेक्टेड सर। उसकी ताकत, उसकी कमजोरी एक ही है, उसका ईगो। तो अब क्या किया जाए? सोहेल ने उन्हें कहां रखा है, कहां लेके जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसकी सिक्योरिटी में घुसकर कुछ नहीं कर सकते। यहां का एयरपोर्ट ISI के कंट्रोल में रहता है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, एयरपोर्ट के रास्ते में ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। 11:30 की फ्लाइट है, 10:30 के पहले उन्हें मूव करेंगे और उनके सर्कल क्रॉस करते ही हम उन पर अटैक करेंगे। वहां पर क्या हो रहा है ये समझने से पहले ही हम अपने लोगों को रेस्क्यू कर लेंगे। कराची में हमने सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है, वो लोग भी इस मिशन में होंगे। थैंक यू सर। अर्जुन अ कॉनवॉय लिविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट बिल्डिंग। आई एम ऑन द वे सर। कैम 7। गॉड, वेरी इंटेलिजेंट। अर्जुन, कुरैशी के ओन हाउस में से एक और कॉनवॉय बाहर निकल रहा है, हमारे लोग किसमें है पता नहीं। कितने भी कॉनवॉय निकले, सभी को एयरपोर्ट ही जाना है सर। दे विल कन्वर्ज एट वहाब जंक्शन। अर्जुन, तुम जिस तरह से बता रहे हो, क्या वो लोग सचमुच वहाब जंक्शन पर ही जा रहे हैं? आई कैन सी देम सर। Ready, all the vehicles are taking different routes. वो लोग कहां जा रहे हैं पता नहीं, हमारे लोगों को किस कार में ले जा रहे हैं पता नहीं। तब भी शनिस एक कॉन्वॉय टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ सर, देयर वाज सम डिले। ये व्हीकल्स इस वक्त किस रूट पर जा रही हैं, ये इन व्हीकल्स को भी नहीं पता सर। सोहेल उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सर। कृपा, सोहेल उन्हें कौन सी कार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है ट्रैक करो। वो किस कार से इंस्ट्रक्शन दे रहा है जरूरी नहीं है सर, कहां से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ये जरूरी है। अगर हम सोहेल को रोक लेते हैं तो कॉन्वॉय भी रुक जाएगा। गेट मी द ब्लडी ईयर्स ऑन द कार्स। ये
अर्जुन, सभी कार्स को एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। सुहेल ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है। 7 किलोमीटर टू योर वेस्ट। There is nothing here, sir. सारे इंस्ट्रक्शन वहीं से आ रहे थे। कम्युनिकेशन रीलोड कर दिया होगा उसने। लगता है वो बदमाश कहीं और ही है जो समय बर्बाद कर रहा है। अर्जुन, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। हरी अप, वी डोंट हैव टाइम। सर, वो यहीं कहीं है। अर्जुन, अर्जुन, उन लोगों ने तुम्हारे फ्रेंड्स को फ्लाइट में बिठा दिया है। सर, वो नीचे टनल में है। A small change in the plan, Dad. A bomb blast cheered summit में नहीं होगा। क्या? Delegates जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ होगा। 180 delegates, 3 bombs. Sohail, क्या हुआ? Nothing. Dad, I will call you back. The flight is on the runway already. अर्जुन, फेस टाइम ऑन कर। अर्जुन, फ्लाइट को इसी वक्त रोक। नो डैड, नो। फ्लाइट नहीं रुकी तो सोहेल की सांसें रुक जाएंगी। ऑल द फ्लाइट बैक, टाइम इज रनिंग आउट, डैमन। ओके, रिलैक्स। चीफ, स्टॉप द फ्लाइट। नो, आई कांट डू दैट। आई से स्टॉप द फ्लाइट। नॉट पॉसिबल। स्टॉप द फ्लाइट। उस एयरपोर्ट से इंडियन चेकपोस्ट नंबर 45 पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। मेरे फ्रेंड्स को वहां लेकर आ, मैं तेरे सोहेल को वहीं पर दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुरेशी भाई, पिछले 3 महीने से इस मिशन पे काम चल रहा था, पता है ना आपको? ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। Let me get Sohail back. I will show him who I am.
सोहेल कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? तुझे 2 घंटे का टाइम दिया था, वो तुझे कराची से इधर आने के लिए नहीं, तेरे बेटे को इंडिया शिफ्ट करने के लिए। बंद करो कराची कहकर कराची पर हुकूमत करने वाले, ये मैंने कैसे किया देखना चाहता है ना? जब तेरे जैसे टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ सकते हैं तो ये तो इंडियन आर्मी है। सिंगल सिग्नल काफी है पाकिस्तान के बॉर्डर को बदलने के लिए। मारना। तेरे कराची में आकर तुझे कराची से बाहर निकाला है। जो मौत से नहीं डरता वो तेरे बुलेट से क्या डरेगा कुरेशी? अर्जुन, तेरा फोन बज रहा है, तेरा बेटा सोहेल। उठा सोहेल, सोहेल तुम ठीक तो हो ना बेटा? अस्सलाम वालेकुम कुरेशी भाई, पहचाना मुझे? कुलकर्णी साहब। थैंक्स, मुझे याद रखा इसलिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं। कुरेशी, तुम्हारा बेटा गवर्नमेंट कस्टडी में नहीं है, इस समय वो मेरी कस्टडी में है। जब तक मैं ओके नहीं बोलूंगा तुम्हारा बेटा यहां से हिलेगा भी नहीं। यू हैव टू टेक अ कॉल। हियर्स द डील, हम चारों लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे लेकिन तेरा बेटा इंडिया बॉर्डर तक नहीं आएगा। तुझे देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था इंडिया वालों ने, फिर तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुझे बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तू अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आया और मैं इंडिया को बचाने के लिए पाकिस्तान आया। मुझे टच करने वाला कोई भी कराची से आज तक जिंदा इंडिया वापस नहीं गया है। Everything has a beginning, Qureshi. तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना बच्चा? सोहेल, सोहेल कहाँ है बता? ए, सोहेल, सोहेल कहाँ है? अर्जुन कुरेशी, जिस बॉडी डबल का इस्तेमाल तूने मुझे पकड़ने के लिए किया था उसे बॉडी डबल का इस्तेमाल करके मैं तेरे बेटे को यहाँ ले आया।
I shot him below the fifth rib right side, anterior posterior. सही टाइम पे गोली निकाली तो बच जाएगा. ले जाओ, you know what to do. याद कर, मेरी पंचलाइन क्या थी? Expect the unexpected. मेरा बेटा, जब तक वापस नहीं आ जाता, मैं इंडिया को चैन से रहने नहीं दूंगा अर्जुन. इतनी तकलीफ मत उठा तू. G8 समिट होने के बाद पाकिस्तान खुद तुझे इंडिया के हवाले करेगा. I'll see you soon. अरे रे 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 रे, कितना प्यारा लग रहा है ना. So sweet. आ ले 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 ले. आंखें वही नाक. देखो अर्जुन, बिल्कुल इसी की तरह है ना. अरे मेरा बेटा. सॉरी. किसी इर्रेस्पॉन्सिबल की तरह बाइक एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट में उनकी मौत नहीं हुई है, और ना ही किसी फालतू झगड़े या शराब पीकर उनकी मौत हुई है. उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. भारत के सबूतों को नजर में रखते हुए G8 कंट्रीज ने फैसला किया है कि पाकिस्तान कुरैशी को भारत के हवाले कर दे. गुड जॉब अर्जुन. सॉरी सर, इस मिशन में एक पार्ट पेंडिंग रह गया. वो क्या? ये गद्दार है, तुम्हें कैसे पता चला? रॉ सर,